नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आप सबका अनअकैडमी वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग और कैसी चली आपकी तैयारी? स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सभी लोग जल्दी से आ जाएं। यहां पर भी सभी लोग आ चुके हैं, सभी छोटे भाई, और बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग भी आए, कनेक्ट करें। क्या सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? नमस्ते नमस्ते भाग्या, कैसी हैं आप? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं अनअकैडमी प्लस में जीएस की संपूर्ण तैयारी को आसान करता हूं। और आज इस क्लास में हमारे साथ ऑफलाइन स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं और आप लोग मुझे लाइव भी जो है सुन पा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डेयर डेविल्स, सभी लोग जल्दी से आ जाए। ये क्लास अभी अभी क्रिएट हुई है तो किसी को जानकारी नहीं थी इस क्लास की टाइमिंग के बारे में, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था। अब चीजें सबको सही चलेंगी। तो हाँ, मैं इस क्लास में आप सभी को करंट अफेयर पढ़ाने के लिए आया हूँ। और ये करंट अफेयर जो होगा ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न होंगे और जो इम्पोर्टेंट इशू है उन पे भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आप लोग ये जानते हैं मेरी प्रोफाइल के बारे में कि मैं आपको संपूर्ण जीएस की तैयारी को आसान करता हूँ। आप मेरे साथ जुड़ करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर सब कुछ पढ़ते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट आप अनअकैडमी प्लस में मेरे साथ पढ़ते हैं। वो आने वाले समय में हो सकता है कि जिस प्रकार से ये भाई ऑफलाइन बैठ करके पढ़ रहे हैं, आप भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ करके इसी तरीके से अपनी तैयारी को आसान करेंगे। यदि मैं बात करूँ करंट अफेयर एग्जाम की, जो एग्जाम है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप चाहे सीजीएल एग्जाम की बात करो, एनडीए सीडीएस की बात करो, या किसी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वहां पर भी करंट अफेयर की भूमिका बहुत ज्यादा है। तो मैं जब आपको चीजें पढ़ाऊंगा तो इस दौरान इन चीजों का भी ध्यान रखूंगा, किस तरीके से आपको करंट अफेयर को तैयार करना है। क्योंकि करंट अफेयर को लेकर के बहुत बड़ी समस्या जो है सभी स्टूडेंटों में हमेशा जो है तैयारी के दौरान बनी रहती है। एक एक चीज जो है यहाँ पर बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और किस तरीके से इंपॉर्टेंट इश्यूज जो है उनको भी डिस्कशन करेंगे। नमस्ते नमस्ते, सभी लोगों का स्वागत है। हाँ, अब सही है सब कुछ। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले इंडिया फर्स्ट नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट जो हैज बीन बिल्ड इन विच स्टेट, ये क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आपकी परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है उनसे, तो आप लोग इसका जवाब दें कि आप बताइए फर्स्ट नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट जो है कहां पर बनाया गया है। राइट आंसर दीजिएगा, आप लोग आंसर दीजिए, जो लोग ऑफलाइन है वो भी आंसर दे सकते हैं। बताएं, और कोई? बिल्कुल सही, तमिलनाडु में। तो जैसे हम यहां से, हाँ, तो कहां पर है, तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु में कहां पर यदि आपसे पूछा जाए, तो आप लोग ये ध्यान देना कि चेन्नई शहर पे जो है ये नाइट, यदि आपसे कहा जाए यहाँ पर नाइट में रेसिंग सर्किट जो है बनाया गया है कि साइकिल रेसिंग वगैरह जो है होगी। अच्छा, यदि मैं आपसे एक सवाल कहूं, आप लोग बताइएगा यहाँ पर कमेंट में, इंडिया आज फर्स्ट नाइट, यदि आपसे कहा जाए नाइट स्काई सेंचुरी कहां पर बनाई गई, राइट आंसर दें कमेंट में। कमेंट में भी आंसर दें, आप लोग भी दें। बिल्कुल सही, नाइट स्काई सेंचुरी जो है वो कहां पर बनाई गई है, तो आप लोग राइट आंसर दे रहे हैं लद्दाख में। कहां पर, कौन सी सेंचुरी पे बनाई गई है नाइट स्काई, ये सफारी भी है, कौन सी सेंचुरी पे? नेशनल पार्क है वो, तो चांगथांग जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे जो है ये बनाई गई है। इंपॉर्टेंट सवाल है कि नाइट स्काई जो है मतलब खुले आसमान में जो है सफारी जो है यहां पर बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट। अब यदि हम इसके बारे में थोड़ा जाने, यदि आपको करंट को कैसे पढ़ना चाहिए, जैसे मैंने पूछा कि भाई नाइट स्काई जो है सेंचुरी कहां पर बनाई गई या रेसिंग ट्रैक कहां पर बनाया गया, तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं और दोनों का जो है मतलब कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण दोनों प्रश्न है, क्योंकि इंडिया का फर्स्ट है। जब कोई चीज इंडिया की फर्स्ट होती है तो हमारी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब भारत का पहला जो नाइट यदि आपसे कहा जाए रेसिंग सर्किट कहां पर है, तो तमिलनाडु में।
16 अगस्त को इसका इनोग्रेशन किया गया, तो अभी करंट का इश्यू है कि अगस्त में किया गया। तमिलनाडु सरकार ने यहाँ पर इसको किया कि रात में दौड़ जो है, प्रतियोगिताएं जो है तमिलनाडु में अलग अलग तरीके की प्रतियोगिताएं होती है। आप सभी लोग जानते हैं जल्लीकट्टू जो है, बुल फाइट जो है, वो एक प्रकार से महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है, आपकी परीक्षाओं में अक्सर सवाल देखने को मिलते हैं। तो तमिलनाडु सरकार द्वारा जो है इस परियोजना में जो है रेसिंग जो है प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर के जो है एक सर्किट जो है बनाया गया है, जिसकी लंबाई कितनी है तो 3.5 किलोमीटर है। यदि आप लोगों से ये सवाल पूछा जाता है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा 3.5 किलोमीटर है। दूसरी बात जो है, यदि आपसे कहा जाए यह ट्रैक जो है खास करके एक आइलैंड ग्राउंड में बनाया गया है, मतलब कि कुल मिलाकर के चेन्नई के पास जो है एक आइलैंड ग्राउंड है, उस मैदान में इस ट्रैक को बनाया गया है। तो इसीलिए इसको आप लोग कई बार सवाल आएगा आइलैंड ग्राउंड पे जो है ट्रैक कहाँ पर बनाया गया है, तब भी आप इसका जो है तमिलनाडु आंसर करेंगे। अब यदि आपसे पूछा जाए इस ट्रैक को तमिलनाडु जो गवर्नमेंट ने बनाया है तो वहां के सीएम कौन है, तो आपको एम स्टालिन साहब का नाम पता होना चाहिए। वहां पर जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके बताएं, और आप लोग बताएं तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, एक सिंपल सवाल है। नहीं बिल्कुल नहीं, गलत आंसर कर रहे हैं आप। और बताएं भाई, कमेंट यहां पर भी आंसर करें। गवर्नर का नाम पूछ रहा हूं, बाकी लोग सही बताएं तो कुछ बताइए, आप लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करें इसके बारे में। यदि आपसे सवाल आता है कि भारत का पहला नाइट स्ट्रीट जो है रेसिंग सर्किट कहां पर है, सभी लोग नोट करें, तो इसके बारे में चीजें नोट कर लें। और ये जो इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा में निश्चित तौर पे अगस्त के महीने में था जो पूछा जाएगा। नेक्स्ट उस पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। मैं भी क्वेश्चंस पे बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग डिटेल्स पे चीजें समझेंगे। विच इज ऑप्शन नॉट करेक्ट, अभी हाल ही में जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है हाईएस्ट रोड के लिए, मतलब भारत का सबसे ऊंचाई पर एक रोड ट्रैक बनाया गया है, ठीक है। तो आप इसके बारे में राइट आंसर करिएगा कि कौन सा गलत ऑप्शन है, ध्यान से पढ़िए, अगस्त के महीने पे न्यूज में था। एक ऐसे गलत हो जाएगा, नहीं नहीं ये निर्माण कार्य तो अगस्त में मतलब कि पूरा हुआ है, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताएं आप लोग आंसर दें, एलिशिया, डियर डेविल, स्नोबिता, डी कंफर्म, बिल्कुल सही। अरे यार ऑफलाइन वाले सही आंसर दे रहे हैं, ऑनलाइन वाले सुस्त बैठे हुए हैं, थोड़ा तेजी से आंसर करो। हाँ अब तुम लोगों के कमेंट आ रहे हैं, ऑफलाइन की सेना ज्यादा ताकतवर तो नहीं नजर आ रही है भाई, इस पेन को क्या हो गया। तो आपको ये वाला पॉइंट जो याद रखना है, 19,000 जो है ये 24 किलोमीटर पे नहीं, जो इसकी ऊंचाई है ये बिल्कुल सही है। बीआरओ जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको क्रिएट कर रहा है, और ये जो है देमचोक सेक्टर जो है लद्दाख में पड़ता है। अब आपके मन में कई प्रश्न आते हैं, देखो यहाँ पर थोड़ा सा, यदि आप लोगों ने कश्मीर को देखा होगा इस तरीके से, सिर्फ मैं कश्मीर वाला पार्ट बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ वाले हिस्से में जो है ये भारत वाला जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर का एरिया पड़ता है, बाकी पूरा एरिया जो है किसे दे दिया गया, लद्दाख यूटी को जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। इस वाले हिस्से को यदि आप ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखते हैं तो ये जो कंट्रोल है ये भारत के कंट्रोल में ये वाला हिस्सा नहीं आता, इसे क्या बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, कि पाकिस्तान ने हमारे एक हिस्से को जो है कंट्रोल कर रखा है, और इसकी जो बाउंड्री लाइन है इसको विशेष नाम से जानते हैं। तो आप लोग बताएं, रेड क्लिफ नहीं, एलओसी, एलओसी लाइन बोलते हैं। वैसे पाकिस्तान की संपूर्ण सीमा को जो है रेड क्लिफ लाइन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब जो इस तरफ का पार्ट है ये जो है चाइना ने कंट्रोल कर रखा है, आप सभी लोग जानते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, नहीं नहीं इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, अक्साई चीन, वेरी गुड वेरी गुड, छोटे भाइयों बहुत सही कर रहे हैं। तो अक्साई चीन जो है, अक्साई चीन के नाम से जो है, डिजिटल बोर्ड का ऐसे नहीं काम कर रहा, अक्साई चीन के नाम से जो है ये वाला भाग जो है जाना जाता है, ठीक है, अक्साई चीन। अब सवाल यहाँ पर महत्वपूर्ण ये बन रहा था कि भाई उमिंगला जो है वो कहाँ पे पड़ता है, जैसे बहुत सारे दर्रे हैं, ठीक है, तो उमिंगला पास जो है यहाँ पर पड़ता है, और यही उमिंगला पास पे जो है ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई पर जो है रूट जो है कनेक्ट किया गया, अभी बनाया गया उमिंगला पास पे। अब जैसे आपसे पूछा जाए जोजिला पास कहाँ पे, कई बार सवाल आपकी परीक्षाओं में आते हैं, बहुत सारे पास मैच करने के लिए आते हैं, तो कहाँ पर पड़ता है बताओ भाई, किसे किसे कनेक्ट करता है। देखो ये आपका क्या है, श्रीनगर है, ये श्रीनगर है, और ये क्या है यहाँ पे, तो आपका जम्मू है। जम्मू से श्रीनगर में जो दर्रा पड़ता है उसका नाम क्या है, नहीं नहीं बनिहाल पास है यहाँ पे,
बनिहाल पास। और यदि आपसे सवाल पूछा जाता है जो जिला कहां, श्रीनगर से लेह के रास्ते में जो है जो कारगिल पड़ता है, कारगिल के नीचे जो है यहां पर जो है जो जिला पास पड़ता है। तो उमिंगला पास, बनिहाल पास और जो जिला पास ये इंपॉर्टेंट है। और उमिंगला पास पे जो है हमारे मतलब कि देश में जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के आसपास रोड बनाने का काम करती है कौन संस्था करती है, बीआरओ। बीआरओ का मतलब है छोटे भाइयों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, 1960 में। खुल के बोलो, गलत ही बोलोगे और क्या, ब्रह्मा थोड़े ना हो कि एक ही बारे में सब कुछ पता होगा, धीरे धीरे पता होता है ना। तो यदि बीआरओ आपका कब बना, 1960 में बना, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अच्छा ये बात आप सबको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। जितने भी सड़क मतलब सीमा के किनारे सड़क बनाने का काम करता है वो हमारा रक्षा मंत्रालय करता है, हमारा सड़क और परिवहन को लेकर के जो मंत्रालय है वो इस काम को नहीं करता। तो बीआरओ के बारे में भी कई बार सवाल जो है देखने को मिलता है। तो बीआरओ को याद रखना, अक्साइचिन केरियर को याद रखना, पीओके। इस लाइन को एलओसी लाइन बोलते हैं जो पाकिस्तान की तरफ है, इस लाइन को जो है एलएसी लाइन बोलते हैं, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो तैयारी के दौरान जो है यहाँ पर हमेशा जब भी इंडिया चाइना की बात आएगी तो वो पता है एक ही चीज याद रखते हैं कि इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है, इंडिया चाइना के बॉर्डर को क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन बोलते हैं। लेकिन मैकमोहन लाइन जो है यहां पर नहीं पड़ती, आपको पता है मैकमोहन लाइन इंडिया के अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में पड़ती है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि मैकमोहन लाइन कहां पर है, यहां पर जो है एलएसी लाइन है जो आपका ये वाला एरिया है, जो आपकी मैकमोहन लाइन 1914 में ओपन की गई वो पड़ती कहां पर है, तो वो अरुणाचल वाले बॉर्डर में पड़ती है। ऐसे अब रेड क्लिफ लाइन है, तो जितना भी पाकिस्तान का एरिया है मतलब कि पाकिस्तान का, जिससे हमारे दो यूटी हैं, पहले जैसे चार स्टेट हुआ करते जिनसे पाकिस्तान का बॉर्डर लगता था, अब हमारे दो यूटी हैं, जैसे लद्दाख एक पूरा यूटी हो गया, ऊपर से उससे भी पाकिस्तान। अब ये जो नए क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर जैसे पूछ लेगा कि इंडिया पाकिस्तान में कितने स्टेट और कितने यूटी हैं, तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उसके नीचे जो पंजाब, फिर राजस्थान और फिर गुजरात। तो आपका ये अब तीन स्टेट और दो यूटी जो है रेड क्लिफ लाइन में पड़ते हैं। वैसे रेड क्लिफ लाइन और कहां पर है, तो इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर भी रेड क्लिफ लाइन पे है, क्योंकि जब वो पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था तो आप सभी लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, मतलब कि उसके बाद ही वो रेड क्लिफ लाइन जो पहले निर्धारित की गई थी पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान को लेकर के, वो आज भी बरकरार है, ठीक है। तो ये बात आप सबको समझ में आ गई, ठीक है। उमिंगला पास समझ में आ गया, ये अभी करंट में है अगस्त के महीने में। अब दैमचौक सेक्टर कहां पर है, आपके मन में प्रश्न आएगा कि भाई कई बार परीक्षा में पूछ देता है दैमचौक सेक्टर कहां पर है। दैमचौक सेक्टर जो है ये एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो यहां पर पड़ती है। ये छोटे भाइयों वैसे तिब्बत के जाने का एरिया, हम कभी नहीं बोलते इस एरिया को कि यहां पर चाइना है, क्योंकि तिब्बत का एरिया है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है दैमचौक सेक्टर जहां पर ये पास है, और इसी पास से जो है तिब्बत जाने का एक रास्ता था भारत और इसके बीच, ना कि चाइना। भले चाइना ने तिब्बत को कंट्रोल कर लिया वो अलग बात है। तो ये सारे पॉइंट जो है महत्वपूर्ण है, मैंने यहाँ पर ही आपको उमिंगला पास, जोजिला पास, बनिहाल पास, बीआरओ और जो इंपॉर्टेंट इसकी जो है लोकेशन और बाउंड्री जो है आपको बता दी। ये परीक्षाओं में यहाँ से सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये देखिए आप इस मैप को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये देखिए ये उमिंगला है जहां पर है, यहां से जो है लद्दाख जो है जो इंडिया का लद्दाख है और तिब्बत को कनेक्ट करने का पॉइंट है। क्लियर छोटे भाइयों, ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची सड़क बनाई जा रही है कहां पर, अगस्त 2023 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लद्दाख के दैमचौक सेक्टर में। सड़क का नाम क्या रखा गया है, तो लिकरू फिंगला फुकचे जो है इसका नाम रखा गया। बहुत सारे लोग जो है यहां पर देख रहे होंगे इसका नाम क्या रखा गया है, तो लिकरू मिंगला फुकचे। ये तिब्बत को कनेक्ट करेगी और ये जो है 1914 फीट की ऊंचाई पे है, ना कि 1942 पे, इसलिए ये वाला पॉइंट ही गलत था। और ये एलएसी देखो, एलओसी से मात्र जो है एलएसी लाइन जो है वहां पर पड़ती है। मैंने आपको बताया कहां पर, इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो एलएसी लाइन पे उसको जो है निर्धारित करती है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। हम क्वेश्चन के माध्यम से मोर इन्फॉर्मेशन अभी कर रहे हैं, फिर चीजें जो है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के पॉइंट में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, सारा आपकी परीक्षाओं में आएगा। ऑन जून 15, 2023 साइक्लोन जो है बिपरजॉय मेड लैंडफॉल इन द कोस्टल एरिया ऑफ सौराष्ट्र कच्छ गुजरात। आप सभी लोग जानते हैं कि एक साइक्लोन आया था, बहुत चर्चा में था। दो साइक्लोन चर्चा में रहे, एक बिपरजॉय और दूसरा मोचा, ठीक है। तो ये जो साइक्लोन बिपरजॉय आया इसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। आप लोग राइट आंसर करिए, इसका नाम जो है किसने रखा था, बांग्लादेश ने रखा था, वेरी गुड। अब छोटे भाइयों आप सबके मन में एक प्रश्न आएगा, छोटी बहनें भी हैं यहाँ पर, एलिशिया वेरी गुड, नोबिता वेरी गुड, सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं। आप सभी लोगों को एक बात मालूम होगी कि ये जो बांग्लादेश है, ठीक है,
ये बांग्लादेश जो है यदि आपसे कहा जाए, इसने तो नाम दिया विपर्जॉय साइक्लोन का, लेकिन ये आया कहां पर है? बिल्कुल सही। तो आप देखो ये एरिया जो है कुछ इस तरीके से, ठीक है, इधर जो है आप लोग थोड़ा सा मैं मैप को अभी रुक जाओ, इस बोर्ड के साथ अभी मैं फ्रेंडली नहीं हो पा रहा हूं, और जैसे मैं फ्रेंडली हो जाऊंगा ना बहुत मजा आएगा। छोटे भाइयों देखो इस चीज को थोड़ा सा देखो, ये भारत का मैप है, मतलब ये कोस्टल एरिया है, साइक्लोन जहां पर भी आते हैं तो कोस्टल एरिया में आते हैं, ठीक है। ये सौराष्ट्र का रीजन है, यहीं पर जो है विपर्जॉय, ठीक है, कोई बात नहीं है, फोन को साइलेंट कर लेना, विपर्जॉय जो है साइक्लोन आया हुआ था, ठीक है छोटे भाइयों, ये पॉइंट यहां पर क्लियर हुआ। यदि आपसे पूछा जाए कि साइक्लोन विपर्जॉय कहां आकर टकराया है, तो हमारे गुजरात के तट में टकराया है, ये रीजन जो है सौराष्ट्र का रीजन कहा जाता है, अक्सर आप लोग पढ़ते हो कि सौराष्ट्र, तो इसी रीजन को बोलते हैं, या इसी को काठियावाड़ी तट भी बोल देते हैं, हाँ काठियावाड़ का तट इसमें टकराया, ठीक है। यदि आपसे कई बार यह सवाल आया था काठियावाड़ तट में टकराया, अब इससे विपर्जॉय से जुड़े हुए और भी प्रश्न क्या बन सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही मतलब कि खतरनाक जो है साइक्लोन हुआ है, इसमें पता है आपने देखा है 17 लोगों का जो है डेथ हुई थी, अभी तक दो ऐसे साइक्लोन हैं जो कि इंडियन ओशन में आते हैं। साइक्लोन कहां पर आते हैं, हमेशा ये बात ध्यान देना, जब भी आप साइक्लोन शब्द पढ़ेंगे तो हमेशा जो है इंडियन ओशन में आते हैं। अच्छा इनको ट्रॉपिकल क्यों कहा जाता है, कुछ बातें जानो साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन जब भी साइक्लोन वर्ड दिया हो तो आप सभी लोग ध्यान देना इंडियन ओशन में आते हैं। अब इंडियन ओशन की दो ब्रांचें हैं आप सभी लोग जानते हैं, एक तरफ भारत में, एक तरफ पड़ता है भारत के पश्चिमी हिस्से में जो है यहां पर, इस तरफ पड़ता है अरेबियन सी, तो और एक तरफ क्या पड़ता है छोटे भाइयों, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों है, ट्रॉपिकल क्यों है, यदि आप लोग देखें, आप लोग पृथ्वी की स्थिति से परिचित होंगे, ये अर्थ है, ये 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ है छोटे भाइयों, और ये जो 23.5 डिग्री साउथ है, 0 डिग्री जो है इक्वेटर लाइन है, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जो एरिया पड़ता है इसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंध क्यों है, क्योंकि यहां पर सनलाइट जो है साल भर में सबसे ज्यादा देर तक पड़ती है। और भारत की स्थिति यदि आपको मैं बताऊं तो भारत की स्थिति कहां पर है, यहां पर है, ठीक है, मतलब भारत यहां पर है, क्योंकि भारत के बीच से ही, सॉरी भारत की स्थिति कहां पर है, यहां पर है, हाँ बिल्कुल सही। भारत की स्थिति जो है कहां से, 8 डिग्री से स्टार्ट होकर के कहां तक जाती है, 30, हाँ। तो देखो यहां पर जो भारत को दो बराबर भागों में डिवाइड करने वाली रेखा वो कौन सी है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको किस एक नाम से पुकारते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ, हाँ बिल्कुल सही, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो भारत का जो देखो समुद्री एरिया है इसके नीचे पड़ता है गुजरात के तट के नीचे, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है गर्मी बहुत रहती है। आज जब गर्मी होती है, कई बार आप लोगों गांव में रहे होंगे बहुत सारे लोग, जब गर्मी होती है घर पे आपने देखा होगा कि चूल्हे पे खाना बनता था पहले, अब आज के समय में तो नहीं बनता है, तो जब धुआं उड़ता है तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, माता जी जहां पर हम लोगों की रोटियां बनाती थी तो धुआं जो है ऊपर छत के पास चला जाता था, ऐसा क्यों, क्योंकि जहां पर जो है लो प्रेशर जहां पर होता है, जहां पर टेम्परेचर हाई होता है वहां पर क्या होता है, लो प्रेशर होता है। तो जैसे टेम्परेचर नीचे बढ़ा समुद्र की तल में गर्मी आई, जब गर्मी आई तो वहां की जो हवाएं हैं वो चक्रवाती होकर के ऊपर की तरफ बढ़ने लगी, उसी से जो है क्या होता है साइक्लोन का निर्माण होता है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साइक्लोन कहां पर आते हैं, तो आप ये कंडीशन याद रखना कि टेम्परेचर हाई होता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और लो प्रेशर की वजह से हवाएं जो है ऊपर की तरफ जो है घूमने लगती है, या एक मतलब की ऐसी जगह जो है जाना चाहती है जहां पर मतलब उनको आर्द्रता मिले, ठीक है, और इसकी वजह से बारिश और जो है बहुत सारे तूफान जो आते हैं, और ये जो है मानव के लिए कई बार जो है बहुत ज्यादा कष्टदायी हो जाते हैं। साइक्लोन विपर्जॉय से 17 लोगों का निधन हुआ है। वहीं साइक्लोन मोचा जो है मई के महीने पर आया, ये मोचा ये भी पता है 215 किलोमीटर की स्पीड से चला है, ये और खतरनाक था, दो साइक्लोन बहुत खतरनाक थे। ये जो आया तो ये पता है कहां पर आया है, तो साइक्लोन जो मोचा है इस तरफ आया है, हाँ यहां पर मोचा आया है, और मोचे की स्थिति की वजह से कितना हुआ, 463 लोगों की डेथ हुई है। तो साइक्लोन मोचा भी आपको याद रखना, विपर्जॉय मोचा दोनों ऐसे साइक्लोन है जो न्यूज में रहे हैं। अब यदि आपसे पूछा जाए कि चक्रवात विपर्जॉय के बारे में, ये गुजरात पे अटैक कर मतलब कि टकराया है तट पे, अरब सी से उठा हुआ था, 165 की स्पीड तक ये चला है, दूसरी बातें बेसिक सी कि उष्णकटिबंधीय है, ये बातें आपको याद रखनी। अब कई बार छोटे भाइयों जैसे आपको मैंने ये चीजें समझाई, कई बार आपने देखा होगा कि एक चीज लिखी रहती है हरिकेन,
ये भी एक प्रकार के साइक्लोन है, कहां पर आते हैं? बिल्कुल सही, नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक और जो है यूएसए के जो बॉर्डर में आते हैं। अच्छा यदि मैं आपसे कहूं टाइफून कहां पर आते हैं, जब भी टाइफून नाम लिखा मिले ना तो ये टाइफून कहां? जापान के आसपास जो है, जापान और जो आपका चाइना वाले बॉर्डर में जो समुद्र है वहां पर आते हैं, मतलब पैसिफिक ओशियन के किनारे आते हैं। अच्छा विली विली कहां पर आते हैं, ये भी एक प्रकार के साइक्लोन है, बताओ। तो छोटे भाई जब भी विली विली पूछा जाए तो आप ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में जो है इसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने साइक्लोन, सिर्फ साइक्लोन जब भी शब्द मिले तो आप अपने आप टिक कर देना कि वो तो अरेबियन सी में होगा, ये तो इंडियन सी में होगा, उसकी और स्थिति कहीं नहीं होती है। तो ये हरिकेन वगैरह भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे आ जाओ, विच कंट्री हैज बिकम ए परमानेंट मेंबर ऑफ शंघाई, ठीक है, कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अभी चर्चा में क्यों है, करेंट में भी है और चर्चा में भी है? बताइए बताइए सर, ऑफलाइन वालों से हम लोग तेज आंसर दे रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऑफलाइन वाले बहुत तेज आंसर देंगे, परेशान मत हो आप लोग, बताइए। लोग शांत मैंने करा के बैठाए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि अभी उन लोगों को बोलने दो, टाइम आएगा हमारा भी, ठीक है, अगली बार से देखते हैं, अभी तो थोड़ा शांति है। आज पता है क्लास क्रिएट होने में इतनी टेंशन हो गई कि क्लास की शुरुआत के पहले सबकी टेंशन थी कि 30 मिनट तक तो ये लोग वेट करते रहे, बहुत सारी चीजें जो है सही तरीके से नहीं हो रही थी। नहीं नहीं कोई यहाँ पे ऑफलाइन वाला समोसा के चक्कर में नहीं आया, तुम ऐसा मत सोचो, बोल रहे खाली समोसे के चक्कर में सब पहुंचे होंगे। अरे ये लोग इतना समोसा खा चुके हैं ना अग्रवाल का कि इनको मन जो है वहां से निकलते हैं ना तो कढ़ाई की महक से उलझन होती है। पहले तो सर संडे हुआ तो हम भी आएंगे सर ऑफलाइन, हाँ नेक्स्ट संडे भी क्लास होगी ऑफलाइन की, तो उसमें आइएगा, बहुत ही मजा आएगा। आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, ये क्लास पहले से क्रिएट नहीं हो पाई थी तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं लोगों तक पहुंच पाई। अब एससीओ के बारे में आप लोग आंसर करें, ठीक है भाई, ऑफलाइन वाले थोड़ा सा हंगामा मचा ही दो, ये लोग हल्के में ले रहे हैं सब, बिल्कुल सही ईरान। अब छोटे भाइयों कई बार ये सवाल आ जाएगा, देखो ईरान जो है यहां पर नए मेंबर के रूप में शामिल हुआ है, एससीओ जो है ये क्या है, न्यू मेंबर जो है बना है शंघाई सहयोग संगठन का। शंघाई सहयोग संगठन के बारे में कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए आप सभी को। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है कब बना था बताओ, कब बना है? क्या कर रहे हो तुम लोग, देख रहे हो यहाँ पे गोली के तरीके आंसर कर रहे हैं, 2001, ठीक है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है आसियान कब बना है? 67, ठीक है। तो आपको यदि आपसे कहा जाए कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है शंघाई ऑर्गेनाइजेशन जो है कब बना है छोटे भाइयों, 2001 में। शंघाई का हेडक्वार्टर कहाँ है? वेरी गुड, देख रहे हो आप, ऑनलाइन वालों सुन लो कितनी तेजी से आवाज, इनकी बुलंद आवाजें आ रही हैं, ठीक है। और यदि आपसे कहा जाए शंघाई में टोटल कितने मेंबर है, जैसे ये नया मेंबर बना है तो क्वेश्चन आ सकता है टोटल कितने, अरे नवा मेंबर शामिल हुआ है, कटवा रहे हो सब नाम तुम लोग यार, नौवे मेंबर के रूप में जो है शामिल हुआ है, हाँ आठ के बाद जो है नौवा हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये बात जो है नोट कर लेना संघाई के बारे में। अब आठ मेंबर कौन कौन से, तो जो सेंटर एशियाई कंट्री हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, इंडिया, ठीक है, चाइना और पाकिस्तान और रसिया, ठीक है, ये इसके मेंबर है। अब संघाई सहयोग संगठन इसलिए इंपॉर्टेंट है छोटे भाइयों, जुलाई में मीटिंग हो रही है, एससीओ 2023 की मीटिंग जो है कहां पर हुई है, बिल्कुल सही, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिया में हुई है एससीओ 2023 की। यदि आपसे कहा जाए चेयरमैनशिप किसने की है तो इंडिया ने की है, शंघाई सहयोग संगठन की जो मीटिंग हुई उसको चीन जो है चाइना ने किया। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के एक मतलब कि सो कॉल्ड जो है लीडर आए हुए थे, बिलावल भुट्टो, ठीक है, एस जयशंकर साहब ने उनका हाथ ही नहीं मिलाया, बोले कि ऐसे दूर से नमस्कार करके बोले आगे जाइए, ठीक है, बोले कि जहां पर मतलब आतंकवाद है वहां पर वार्ता नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी बातें आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से, रील के माध्यम से जरूर देखी होंगी। तो आप लोग याद रखना कि इंडिया में शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग हुई थी और जो इसके जो चीफ लीडर थे वो नहीं आए थे, उनको वर्चुअली जो है कराया गया है, और इंडिया पहला कंट्री है जिसने एससीओ को जो है वर्चुअली होस्ट किया है, इंपॉर्टेंट। अब सवाल यहाँ पर महत्वपूर्ण ये बनेगा छोटे भाइयों की, ये तो एससीओ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि देखो शंघाई सहयोग संगठन में नए देश के रूप में कौन शामिल हुआ, ईरान शामिल हुआ, ठीक है। कब ये बना, तो 23वां शिखर सम्मेलन था, ईरान जो है नौवें सदस्य के रूप में शामिल हुआ, ये इन्फॉर्मेशन है।
यदि आप देखें तो संघाई सहयोग संगठन पहले संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, और ये देखो ये सारे कंट्रियों के नाम जो है दिए गए। अब एक सवाल मैं आप सबसे पूछ रहा हूं कि एससीओ 2024 में कहां पर होना है, ये तो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताओ। भैया आप ऑफलाइन वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, ये लोग बढ़िया तरीके से शांति से पढ़ रहे हैं, बोले हम लोग शोर मचाने में आ जाएंगे ना, बताओ बताओ। नहीं इन्हीं इन्हीं देशों में किसी में होनी, पाकिस्तान में नहीं होनी है ना, ना ईरान में होनी है, हाँ सब बता दो पूरे पूरे आठ के आठ, उज्बेकिस्तान में होनी है। ठीक है, उज्बेकिस्तान में, कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान में होनी है। ठीक है, कजाकिस्तान, ठीक है आपको ध्यान देना, कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ा देश है वहीं पे होनी है, मतलब एरिया जो है जो जितने भी वहां पर सेंट्रल एशियाई कंट्री, कजाकिस्तान, इसकी राजधानी जो है पहले इसने बदली थी, अब पुनः जो है अस्ताना अपनी पुरानी राजधानी जो है ले गया, वहां पे होनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपको एसटीओ के बारे में सारा पता चल गया, एक क्वेश्चन के माध्यम से आपने 10 क्वेश्चनों को जान लिया। ठीक है छोटे भाई, एक क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सर, पहले पढ़ लो, पहला सही है, दूसरा कंफर्म लॉक कर दिया जाए, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन देख के बताओ, आजकल मेंस में ऐसे सवाल आएंगे अब। ठीक है चलो, तो छोटे भाइयों पहला ही सही है, आप बताओ छोटे भाइयों, रेलवे बोर्ड जो है, ठीक है रेलवे बोर्ड के यहां पर, रेलवे बोर्ड जो है हमारी रेल मिनिस्ट्री को बोलते हैं, न्यू सीईओ जो है कौन बने हैं, ये बहुत सारे सीईओ नए बन गए, तो आपको पता है ये पहली महिला है जो बनी है, ठीक है फर्स्ट वुमेन है, और इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और इनका नाम क्या छोटे भाइयों, जया वर्मा सिन्हा। ठीक है ये पहली महिला है। अब छोटे भाई यदि आपसे मैं कहूं रेलवे बोर्ड जो है, देख ना बहुत आप लोगों को क्वेश्चन पूछूंगा, इसके पहले सीईओ कौन थे, तो आप बोलना ए के अनिल कुमार लोहाटी, इनके स्थान पे बनाई गई है। ठीक है पहली महिला अनिल कुमार लोहाटी, उसके पहले कौन थे, तो विवेक कुमार त्रिपाठी, बहुत जल्दी जल्दी चेंज हुए हैं। और रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ कौन बनाए गए थे बताओ भाई कमेंट बॉक्स में, अरे फिर अगस्त्य आप लोग गलत आंसर सब लोग कर रहे हो यहां पर, अरे विनय कुमार सक्सेना कहां, पहले सीईओ, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, कई परीक्षाओं में आया है, रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ, अरे तो तब भी जो पहला होता है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, वो स्टैटिक जीके बन गया। ठीक है तो विनोद कुमार यादव, याद आया पहले थे, और जब भी पहला कोई चीज हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली महिला सीईओ बनाई गई है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि रेलवे बोर्ड सीईओ चेयरपर्सन, सीईओ क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, ठीक है, और चेयरपर्सन, ये दोनों अब एक कर दिए गए हैं। लेकिन यदि आपसे कहा जाए हमारे देश में जब से रेलवे चल रही है, जैसे देश आजाद हुआ 1905 से रेल मिनिस्ट्री बन गई थी, लेकिन 1947 के बाद यदि आपसे प्रश्न आता है कि पहले चेयरपर्सन कौन बनाए गए थे, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अलग होता है और ये जो सीईओ होता है ये अलग पोस्ट होती है, जैसे एग्जीक्यूट करने वाला अधिकारी, ये 2018 में विनोद कुमार यादव बनाए गए हैं। लेकिन रेलवे बोर्ड के यदि चेयरमैन पूछा जाए, जैसे हमारे रेल मिनिस्टर पहले कौन थे बताओ भाई, रेल मिनिस्टर कौन थे, क्या बिल्कुल सही आयुष बाबू, देखो रहे हो कितने बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हैं, जॉन मथाई। ठीक है यदि आपसे कहा जाए जॉन मथाई जो है ये रेलवे के पहले जो है मिनिस्टर हुए, अच्छा पहली महिला रेल मिनिस्टर कौन हुई है बताओ, ये रेलवे से जुड़े हुए कुछ सवाल हो जाए, हाँ पहली रेलवे मिनिस्टर जो है, पहली महिला रेल मिनिस्टर जो है ममता बनर्जी हुई थी। ठीक है जॉन मथाई जो है ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे मिनिस्टर है और ये आपके सवाल पूछे जाते हैं। चेयरमैन को आपको याद रखना कि एफसी जो है बधवा करके एक शख्स थे, उनको जो है पहला चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन अब चेयरमैन को और सीईओ को एक ही पोस्ट में दे दिया गया है, तो जब भी चेयरमैन आए तो वो क्वेश्चन का आंसर जो है एफसी बधवा है, और यदि आपसे कहा जाए कि सीईओ या चेयरपर्सन कौन है, तो अब जैसे यहां पर जो है जय वर्मा सिन्हा का नाम याद रखना, पहली महिला भी हो गई। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऐसे मतलब चीजें पढ़िए करंट अफेयर पढ़ते समय, जिससे आसपास से जो चीजें हो वो कनेक्टेड होकर के आपके दिमाग में सेट रहे।
क्योंकि प्रश्न जो है आप कुछ इसी तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि जब एग्जामिनर पेपर सेट करने के लिए बैठता है तो वो ये नहीं पूछता, कई बार ये पूछ लेता है कि रेलवे जो बोर्ड की पहली महिला सीईओ बनाई गई, उसके मन में आएगा कि रेल पहली जो है रेल मिनिस्टर वुमेन कौन थी, ममता बनर्जी का नाम पता होना चाहिए, या सवाल पूछ लेगा कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और जो है सीईओ अलग पोस्ट थी, पहले सीईओ कौन थे, तो विनोद कुमार यादव थे। तो आपको पहला जरूर चीजें जो है कनेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। ये रेल मिनिस्ट्री है, आप सभी लोग देखे होंगे, दिल्ली में तो आप सभी लोग रहते हैं, रेल भवन जो है नाम से जानी जाती है। ये मिनिस्ट्री जो है 1905 में बनाई गई थी छोटे भाई, कब बनाई गई, 1905 में, और इस समय रेल मिनिस्ट्री जो है कहां पर है, न्यू दिल्ली में हमेशा। अच्छा, रेल मिनिस्टर जो है वो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है कौन है, तो उनका नाम है अश्विनी वैष्णव, इनका नाम भी आपको याद रखना है, वेरी गुड, अश्विनी वैष्णव का नाम भी याद रखना है। ये देखो, जया वर्मा सिन्हा के बारे में कहा गया कि 1988 बैच की जो है IRTS थी, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में जो है जॉब करती थी, फिर 2003 में 23 में जो है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में इन्होंने जो है यहाँ पर सीईओ के रूप में 1 सितंबर को कार्यभार संभाला है, सितंबर में ही अभी जो है इनका जो है चयन हुआ है इस पद पे, इंपॉर्टेंट है, ये भारतीय उच्च आयुक्त भी रही है और इन्होंने जो है लोहाठी जी का स्थान लिया है, वो वी के पॉइंट गलत है। अब छोटे भाइयों, बहुत सारी एक्सरसाइज आपकी परीक्षाओं में पूछी आती है, आते हैं ना सवाल, अभी करंट में है कि जायद तलवार एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच में आयोजित हुई है, राइट आंसर करो। हाँ, सी, अच्छा, वेरी गुड, भारत और कहां पर, यूएई के बीच में जो है हुई है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। इंडिया और यूके के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है बताओ, जब भी आपसे सवाल आए, जैसे आपसे सवाल पूछे अजय वारियर, और बताओ, वेरी गुड, कोंकण, ठीक है, कौन सी, कोंकण, ये सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है छोटे भाइयों, तीनों की तीनों पूछी आती है आपकी परीक्षाओं में, ठीक है। यूएई के साथ जो है जायद तलवार जो है याद रखना, जायद तलवार। इंडिया और नेपाल के बीच कौन सी होती है बताओ, सूरज की किरण सबसे पहले कहां पर टकराती है, एवरेस्ट सबसे ऊंचाई पर वही है, तो सूर्य किरण याद रख लेना, ऐसे सूर्य किरण, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे टकराती है, इसलिए नेपाल के साथ सूर्य किरण होती है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है बताओ, तो आप लोग हमेशा याद रखना छोटे भाइयों, मित्र शक्ति, क्योंकि भारत का पड़ोसी है, और सिलिनेक्स, जब भी ऐसे नाम लिखे होते हैं जैसे SLINEX, इसका मतलब छोटे भाइयों इसको ऐसे याद करना है, SL का मतलब श्रीलंका और IN का मतलब इंडिया, जैसे कई बार आपने देखा होगा ऐसे जीमैक्स जापान इंडिया, ठीक है, जैसे आपका मैं लगा दूं यहां पर SITMEX, तब आप कैसे याद करोगे, SS तो सिंगापुर, जब सिंगल S लगा हो ना तो सिंगापुर है, ठीक है, तो मतलब यहां पे कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने सिलिनेक्स के साथ सिटमैक्स भी बता दिया। तो आप देखो एक क्वेश्चन के माध्यम से 8 से 10 एक्सरसाइज जो है समझ गए, और जब शॉर्टकट से कोई एक्सरसाइज लिखी होगी जैसे ऑस्टिडेक्स, ठीक है, AUSI, तो आप अपने आप देखो ऑस्ट्रेलिया, तो अपने आप एग्जाम में टिक कर लोगे कि हाँ यार इसका AUS से ऑस्ट्रेलिया बन रहा है, या जीमैक्स बन रहा है, या सिलिनेक्स बन रहा है, या सिटमैक्स, एस सिंगल है तो सिंगापुर है, सिंगापुर इंडिया थाईलैंड जो है मैरिटाइम एक्सरसाइज, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आप लोगों ने सुना यूएई के बारे में, तो देखो यूएई इस क्वेश्चन से रिलेट इसलिए कर रहा है क्योंकि जायद तलवार एक्सरसाइज हुई है, तो इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। यूएई कहां पे पड़ता है, यूएई एक गल्फ कंट्री है, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, इमिरेट्स। देखो अब ये लोकेशन जो है कहां पर है, तो ये देखो पर्सियन गल्फ है, उसके पास पड़ता है, जैसे आपने देखा वो गल्फ ऑफ पर्सिया के पास में, देखो ये यूएई का मैप है, ये यूएई है, यहां पर सऊदी अरब है, ये यूएई है, यूएई की कैपिटल क्या है, अबू धाबी। आपका एक, आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, ठीक है, दिला दो तुझे बुर्ज खलीफा, तो यहीं पर जो है दुबई यहीं पे पड़ती है, एक महत्वपूर्ण शहर है, तो बहुत सारे लोग दुबई तो जानते हैं लेकिन दुबई राजधानी नहीं है, दुबई एक शहर है यूएई का, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अब इसलिए चर्चा में था छोटे भाइयों की जो यूएई है इसकी राजधानी आपको पता चल गई, यहाँ पर जो राष्ट्रपति है, ठीक है, ये नहयान साहब है, इंपॉर्टेंट है, अभी भारत की यात्रा पे आए हुए थे। प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये जो है ना अभी नए जो है अपॉइंट किए गए हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है जो आप कर रहे हैं। अच्छा छोटे भाइयों, क्या एक सवाल मैं आप सभी लोगों से और पूछ रहा हूं कि यूएई के बारे में आप लोग बताएं, क्या यूएई जो है G20 का मेंबर है, नहीं,
नहीं है, नहीं है, हाँ, लेकिन आए थे डेलीगेट्स को उन्होंने बुलाया था। नेक्स्ट, वेयर इज द यूथ 20 समिट? आप सभी लोग यूथ हैं, ठीक है, युवा है, जिसको कहते हैं कि भारत की युवा जो है आपके ऊपर कंधों में बहुत बोझ है, कंधों में दम है, तो बताओ भाई। बिल्कुल सही, बहुत तेजी से आंसर कर दिया है। छोटे भाइयों, आप सबने जानते हैं कि G20 ग्रुप के द्वारा जो है अलग अलग शहरों में भारत में सम्मेलन हुई, युवा को लेकर के जो है एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। जितने भी देश हैं उन सभी 19 देश इसमें मेंबर हैं, उन सभी देशों के जो है कुछ विशेष युवाओं को, डेलीगेट्सों को बुलाया गया, यहाँ पर सम्मेलन में बैठे। कहाँ पर बैठे? तो बनारस शहर में जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अब छोटे भाई एक सवाल है, आप सभी लोग युवा हो, आप लोग बताओ इंटरनेशनल यूथ डे कब होता है? कब? गलत कर रहे हो इसीलिए। हाँ, तो जब भी आपसे युवा से जुड़ा ये क्वेश्चन भी तो बन सकता है कि इंटरनेशनल यूथ डे जो है कब होता है? 12 अगस्त को होता है। और नेशनल यूथ डे जो है कब होता है? आप जैसे नेशनल यूथ, राष्ट्रीय युवा, तो नेशनल यूथ डे जो है कब होता है? अब मैं देखो स्पीड पकड़ रहा हूं, अभी तक थोड़ा सा चीजें वो थी, अब तो मैं आ जाऊंगा मैं 12 जनवरी। हाँ ठीक है, डन। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना, जनवरी वाला। अब 12 जनवरी क्यों होता है? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का इसी दिन बर्थडे होता है, तो लोग नहीं याद कर लेते हैं, तो 12 जनवरी और दोनों को याद रखना। अब देखो यहां पर आ जाओ, अब देखो ये देखो युवा जो है U20 का जो है शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ। कहां पर हुआ? बनारस में हुआ। किसने? हमारी मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट मिनिस्ट्री जो है, ठीक है, अनुराग ठाकुर जिसके मिनिस्टर है, उन्होंने इसका आयोजन कराया। कुछ बेसिक सी बातें हैं कि यहाँ पर 150 से ज्यादा डेलीगेट्स जो है पार्टिसिपेट किए। अब देखो जो हमारा यहाँ पर देखो ये G20 कंट्री है, ठीक है, G20 कंट्री में देखो इंडिया आता है, आप देख रहे हैं, ये चाइना आता है, ये देख रहे हैं आप, ठीक है ना छोटे भाई, ये जो है सऊदी अरब आता है, यहाँ पर आप देखो इंडोनेशिया आता है, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो आपका साउथ कोरिया आता है, ठीक है, साउथ कोरिया, ये जापान है, ये देखो आपका रशिया है। मैं भी आपका एक प्रॉपर मैप है वो दिखाऊंगा तो वो बता दूंगा। लेकिन छोटे भाइयों, आप सभी लोग जानते हो कि G20 के जो सम्मेलन हुए हैं वो इंडिया में अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम से हुए हैं। G20 क्या है? ग्रुप ऑफ 20, ग्रुप ऑफ 20, 20 देशों का समूह, ठीक है, ये 20 देशों का समूह नहीं है, आपको रखा 19 देश है प्लस एक प्लस अब जो है ज्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है, 19 देश है, एक आपका क्या आता है छोटे भाइयों? वेरी गुड, यूरोपियन यूनियन, और एक ये अब नया कौन सा ऐड हो गया? अफ्रीकन यूनियन। तो अब जो है इतना बदल चुका है, ध्यान देना, अब जो है ये इसमें 21 मेंबर हो चुके हैं। ये पहला पॉइंट तो आपकी परीक्षा में निश्चित तौर पे आएगा कि G20 के सम्मेलन में कौन सा एक जो है नया सदस्य जो है शामिल हुआ, क्योंकि भारत में पहली बार G20 की समिट हुई है, तो आप अफ्रीकन यूनियन को याद रखना, इसमें 55 देश है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंटल है, एक पूरे कॉन्टिनेंट को शामिल कर दिया गया है। अभी नहीं कुछ हुआ, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब यहां पर यदि आपसे कहा जाए कब बना था, तो देखो ऐसे याद कर लेना कि G20 को G2000 लिख लेना और -1 कर देना, मतलब इसलिए -1 कर देना, 1999 बना, 19 देश मेंबर है प्लस एक, मतलब कि यहां पर ये ऐसे याद कर लेना, थोड़ा सा ट्रिक से याद हो जाएगा। G20 का हेडक्वार्टर कहां है? तो आप बोलना कोई भी ग्रुप जो होता है उसका हेडक्वार्टर नहीं होता, जैसे आप सब लोग एक ग्रुप हो, ठीक है, एक दोस्तों का ग्रुप है, आप सबका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता। श्रीमान चाय तो नहीं है कहीं हेडक्वार्टर बनाए हो कोई हेडक्वार्टर? हाँ, तो ऐसे कोई हेडक्वार्टर नहीं होता, जहां जो मिला वहीं पर सम्मेलन हो गया, एक दूसरे के रूम सबके हेडक्वार्टर होते हैं, क्योंकि ये वाला ठीक है, तो किसी भी हेडक्वार्टर नहीं होता है G20 का। छोटे भाइयों आपको पता है G20 कंट्री इतने चर्चा में क्यों है? क्योंकि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और दुनिया भर की डेवलपिंग इकोनॉमी जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है, दुनिया भर की जो इकॉनमी है इसमें जो है पार्टिसिपेट करती है, जो सबसे बड़ी इकॉनमी है। ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्शन का जो है 75% जो है इन्हीं कंट्रियों के पास है, मतलब जो पूरे विश्व में उत्पादन होता है उसका 75% उत्पादन जो है सिर्फ यही कंट्री करते हैं। साथ ही साथ छोटे भाइयों, जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसमें जो है 2/3 पॉपुलेशन जो है G20 कंट्री में, पर सबसे ज्यादा आबादी इन्हीं 20 देशों के पास है, मतलब 20 क्या मतलब कि 19 देश और ये संघों के पास है। साथ ही साथ छोटे भाइयों ये एक बात पॉइंट और याद रख लेना कि इनका जो वर्ल्ड एरिया है 60% जो है लैंड एरिया जो है कवर होता है। हाँ, मतलब ये कुल मिलाकर के सबसे पावरफुल है। यूरोपीय यूनियन में कितने देश आते हैं?
सर पहले ये G7 था, नहीं G7 अलग बॉडी है छोटे भाई। G7 जो है ग्रुप ऑफ 7 है छोटे भाई, ये अलग बॉडी बनाई गई थी, जो लोग ऑनलाइन में कंफ्यूज हैं। G7 की स्थापना 1975 में हुई है, ठीक है। इसमें जो है पूरी पूरी डेवलप्ड इकोनॉमी आती है, जैसे कौन कौन सी डेवलप्ड इकोनॉमी आती है, USA है, कनाडा है, नहीं यार UK, फ्रांस, जर्मनी, वेरी गुड, इटली, जापान और इटली। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अलग है, ये दुनिया भर की जो है अलग इकोनॉमी है, जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, ये G7 में आती है। जो G20 में है ये तो आती है, इसके अलावा जो है अलग इकोनॉमी जो है, ये डेवलपिंग प्लस डेवलप्ड कंट्रियों का ऑर्गेनाइजेशन है, और ये पूरी तरीके से जो है क्या है, डेवलप्ड कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन। डन छोटे भाई। तो ये 19 देश, ये G20 के बारे में अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दिए। G20 से ये पहली बात कब बना, कौन कौन से हैं, अफ्रीका यूनियन शामिल हुआ है, अफ्रीका यूनियन में 55 देश हैं, ये याद रख लेना, और यूरोपीय यूनियन में कितने हैं, 27 कंट्री हैं, ये परीक्षा में आएगा ही आएगा। और साथ ही साथ ये मैंने बेसिक बता दिया क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी दुनिया की 60% लैंड इन्हीं के पास है, और पूरी दुनिया की जो है 75% प्रोडक्शन जो है यही जो है कंट्री करते हैं। साथ ही साथ मैंने ये बता दिया कि 2/3 पॉपुलेशन जो है इनके यहाँ ही रहती है। नहीं नहीं अभी बताता हूँ सारी चीजें आगे है, क्वेश्चन बहुत अच्छा छोटे भाइयों। अभी हाल ही में आपने देखा चाइना, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियां करता है जिसमें चर्चा में रहता है। एक आपने क्वेश्चन इसको ध्यान से पढ़ें, स्टेपल वीजा जो है चाइना ने दिया, ठीक है, स्टेपल वीजा चाइना ने जारी किया, कहां के लिए जारी किया, राइट आंसर करना। आपको पता है छोटे भाइयों, वर्ल्ड क्या हो रहा है, ऑफलाइन में ये सब चीजें बड़ी सुनने को मिलती है। मुखर्जी नगर का अपना एक माहौल है, ठीक है। तो वर्ल्ड यदि आपसे कहा जाए, यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप हुई, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो है चैंपियनशिप, ठीक है, देखो पूरे विश्व के जो भी विश्वविद्यालय हैं उन सबके खिलाड़ियों को बुलाया गया, कहां पर, चाइना में। भारत के भी खिलाड़ियों को बुलाया गया कि भाई भारत भी आए, भाग करे, यहां पर पार्टिसिपेट करे। सारे विश्वविद्यालय जो हैं उसके बच्चे गए खेलने के लिए, भारत की तरफ से भी गए। भारत की तरफ से कुछ खिलाड़ियों में अरुणाचल के खिलाड़ी थे, अरुणाचल के 3 खिलाड़ी थे, उन 3 खिलाड़ियों के लिए चाइना ने क्या कर दिया, कहा कि मैं वीजा पे मोहर नहीं लगाऊंगा। जैसे हमारा पासपोर्ट बनता है, जब हम किसी देश की यात्रा करते हैं तो उसमें मोहर लगती है, उसने कहा कि मैं इसमें मोहर नहीं लगाऊंगा क्योंकि अरुणाचल जो है वो हमारा भाग है। तो उसने कहा क्या कि ठीक है वीजा तो हम दे देंगे, लेकिन एक पर्ची लगा करके नत्थी करके उसमें मोहर लगवा देंगे, ये है नत्थी वीजा, स्टेपल वीजा, कि मतलब कि हम आपके कागज में वो मोहर नहीं लगाएंगे, मतलब जो आपका ओरिजिनल पेपर है रहता है, जो पेज रहते हैं पासपोर्ट में, हम लगाएंगे तो एक अलग से एक पर्ची दे देंगे, उसमें आपकी मोहर लगा के आपको मिल जाएगी। तो ये है नत्थी वीजा का कॉन्सेप्ट। और इसने अरुणाचल के लिए क्यों कहा, क्योंकि छोटे भाई जो अरुणाचल का मैप आप देखते हैं भारत में, अरुणाचल जो है उसको चाइना ये कहता है कि मैं मैक मोहन लाइन को नहीं मानता, भारत और चाइना के बीच जो अरुणाचल की सीमा उसको मैक मोहन लाइन बोलते हैं, और वो कहता है कि मैं मैक मोहन लाइन को नहीं मानता। मैक मोहन लाइन को लेकर के इसका विवाद है हमेशा से, वो हमेशा से कहता है कि ये मैक मोहन लाइन ये पता है गलत है, ये 1914 में भले पता है ब्रिटिशर्स ने खींची थी, लेकिन ये अरुणाचल हमारा है, वहां के लोगों को, इसीलिए वो वीजा नहीं जारी करता, नत्थी वीजा, स्टेबल वीजा जारी करता। जब ऐसा किया तो भारत सरकार ने इसका विरोध किया कि ये कैसे कर सकते हो, तो हमारे लोग हैं, आप मोहर पासपोर्ट में लगाएंगे, एक पर्ची लगा करके नत्थी करके थोड़े ना लगाएंगे, ये है मुद्दा, ठीक है। तो याद रखना वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप हुई कहां पर, चाइना पे हुई, सबसे ज्यादा मेडल जो है चाइना ने जीते, दूसरे स्थान पे रहा जापान, 7वें नंबर पे रहा इंडिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, और मैक मोहन लाइन और नत्थी वीजा का कॉन्सेप्ट क्या है इसको भी याद रखना। मजा आ रहा है भाई, अच्छा आप सब लोग ऑफलाइन वालों को मजा आ रहा है, पहली बात ये बताओ आप सभी लोग ऑनलाइन वालों तुम लोगों को कैसा मजा आ रहा है, हाँ यहां से सब कनेक्टेड है मेरे साथ, कमेंट में चल रहे हैं, ठीक है, चलो तुम लोगों को भी मजा आ रहा है, अच्छा कुछ अलग क्लास का एक्सपीरियंस तुम लोगों को मिल रहा है ना, अभी बहुत अलग अलग मजे आएंगे, अभी आज तो एक्चुअली में चीजें थी थोड़ा सा, और ऑफलाइन का पढ़ने का भी एक अलग मजा है, ठीक है, हाँ अगले संडे फिर क्लास होगी, फिर कुछ दिनों के बाद देखते हैं फिर चीजें करके, हाँ मैं टाइमिंग वगैरह बता दूंगा फिर मस्त तरीके से। तो मैं तुम्हारा इस जो ये क्वेश्चन फॉर्मेट लेकर के आया हूँ ना, इस क्वेश्चन फॉर्मेट में मैं तुम्हारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, ताकि आगे फिर समस्या ना हो, ठीक है,
करंट आपका धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। ये देखो चीन द्वारा जो वुशु खिलाड़ी थे उनको नत्थी वीजा जारी किया गया था, ये अरुणाचल प्रदेश के थे, तीन वुशु खिलाड़ी थे, मैंने बताया खिलाड़ियों के नाम थे, इनके नाम जो है आप लोगों को याद करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए, कभी भूलोगे नहीं स्टेपल क्या है। छोटे भाइयों ब्रिक्स कंट्री का भी सम्मेलन हुआ, मैं इंटरनेशनल इवेंट टाइप का क्वेश्चन बहुत इस बार लेकर आया हूं ब्रिक्स कंट्री के बारे में। तो ब्रिक्स कंट्री का जो सम्मेलन हो रहा था उसमें क्या हुआ कि 6 नए देश शामिल कर दिए गए। देखो ब्रिक्स का मतलब क्या था, पहले ब्रिक हुआ करता था, ठीक है, फिर ये जुड़ गया, हाँ ब्राजील, वेरी गुड छोटे भाई, रशिया के बाद इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये पता है ब्रिक्स में कितने देश आते हैं, ब्रिक्स में 5 देश आते थे, ठीक है। ब्रिक्स कब बना था, 2001 में बना था, नहीं 2008-06 में बना है, 8 में पहला सम्मेलन हुआ था, ठीक है। और आपको पता है जो ब्रिक्स कंट्री हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनमें जो मीटिंग होती है ये आपकी परीक्षा में आती है। तो देखो जब भी होती है तो ये पता है रोटेशन में होती है, जैसे पहले इंडिया में हो गई, फिर उसके बाद चाइना, सी फॉर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका में। अभी जो ब्रिक्स का सम्मेलन है वो कहां पर हुआ है, साउथ अफ्रीका में। कौन सा एडिशन था, 15वां, ठीक है, ये हमेशा ध्यान, ये क्रम समझ जाओगे ना कि कैसे होता है। फिर उसके बाद चाइना, जब 14वां पूछेगा तो चाइना, अगला कहां पर होगा तो अपने आप जो है यहां पर कॉन्सेप्ट निकल आएगा, रोटेट होकर के होता है। लेकिन ब्रिक्स में जो 5 मेंबर थे इन्होंने तय किया कि हम 5 लोग मिलकर के इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, समूह में ताकत होती है तो हम सब लोग मिलकर कुछ करते हैं। तो इन्होंने 6 नए सदस्यों को, इस बार जो अभी साउथ अफ्रीका डेलीगेट्स में मीटिंग चल रही है उसमें 6 नए मेंबरों को शामिल करने की बात की। तो इनमें से कौन सा एक देश शामिल नहीं हुआ है, वेरी गुड, कतर शामिल नहीं हुआ है, किनको किनको, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना कहां पे पड़ता है, ब्राजील के नीचे पड़ता है, इथोपिया कहां पर है, अफ्रीकी कंट्री है, इजिप्ट जो है, इन तीन को शामिल करा दिया। साथ ही साथ आपको मैं दिखाऊं, ये देखो देखो नए मेंबर कौन हुए, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, ठीक है, सऊदी अरब और यूएई, इनको शामिल किया है, नोट करो इसको। तो अब 6 देशों को आमंत्रित किया था और आगे आने वाले समय में ये कहा गया है कि आमंत्रित किए गए सदस्यों को लेकर के जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन ये घोषणा कर दी गई कि 1 जनवरी 2024 से, मतलब 2024 में ये 6 और मेंबर हो जाएंगे। तो 6+5 कितने हो जाएंगे, 11 मेंबर है। अब जो है ब्रिक्स 5 का नहीं होगा, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का नहीं होगा, ये और मेंबर जो है हो जाएंगे। किस चीज के, अब नाम जब चेंज होकर के आएगा तो पता चलेगा, अभी तो इन्होंने अभी ब्रिक्स को ब्रिक्स ही रखा है। वी वांट अखंड भारत, हाँ बिल्कुल मिलेगा, हाँ भाई समोसे आ रहे हैं, वी वांट समोसा, आज मोदी जी का बर्थडे है, अच्छा बहुत अच्छी बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है तो हमारी तरफ से शुभकामनाएं है कि नहीं, कि आप लोगों ने बना दिया दूसरे, अच्छा है, चलिए बहुत बार, ठीक है, भारत माता की जय, ठीक है, पगलाओ नहीं, ठीक है, आगे आ जाओ। इन विच कंट्री फेमस इंडिया जो है भरतनाट्यम, यदि आपसे कहा जाए डांस, ठीक है, इन विच कंट्री फेमस इंडियन भारत जो है नाट्यम डांस जो है, रथी जो है उनका नाम है, एक तो ऊपर देखने में इसमें लाइट लग रही है पता नहीं क्यों मुझे, राठी जो है कार्तिकेयसु का निधन हो गया है, ये भारत। अब जब भी आर्टिस्टों को कोई निधन होता है, और आप सब लोग जानते हो किसी भी वनडे एग्जाम को आप दे रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो, वहां पर ऐसे सवाल आपके आते ही आते हैं, तो ये पहले तो सेट कर लो कि निश्चित तौर पर सवाल आना है, ठीक है। राठी जो है कार्तिकेयसु का निधन हुआ, ये किस चीज की आर्टिस्ट थी, तो पहले तो इनका नाम ये भी तो आप भरतनाट्यम की, अब इनका निधन कहां पर हुआ है बताओ, ये सिंगापुर में ही रहती है इसलिए इनका निधन जो है सिंगापुर में हुआ है। अब छोटे भाइयों जैसे आपसे सवाल आ जाए, ये पेन समझ में आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि मैं, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम को जो है छोटे भाइयों हम लोग जो हमारे 8 क्लास का डांस है उनमें एक प्रमुख है सबसे, इसी डांस को जो है तंजौर डांस भी बोलते हैं, तंजौर, ठीक है, इसी डांस को जो है 10 अट्टम भी बोलते हैं। भरतनाट्यम डांस कहां पर होता है, अच्छा चलो एक बार खींच लेते हैं क्योंकि ये बहुत आते हैं, यहीं पर लिख देता हूं। अच्छा आप लोग बताओ कुचिपुड़ी कहां पर होता है, बहुत आता है ना ये, आंध्र प्रदेश। ओडिसी कहां पर है, ठीक है, मणिपुरी। अच्छा कथकली, वेरी गुड, और कथक,
चलो, और मोहिनीअट्टम नहीं नहीं भारत में जो टोटल है, ये देखो भाई तुम लोग मैप से समझो, आज के बाद कभी भूलोगे नहीं। देखो हमारा जो क्लासिकल एरिया है यही है, नीचे वाला एरिया। उत्तर भारत में कुछ क्लासिकल नहीं होता, सिर्फ यूपी के डांस को एक जोड़ दिया गया है कुछ लोगों ने। यहाँ पर देखो ये तट है केरल का, ये तमिलनाडु का है। ये केरल जो है यहाँ पर दो क्लासिकल डांस होते हैं, एक आपका कथकली और दूसरा मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम में सिर्फ फीमेल आर्टिस्ट होती है, और एक जो ये क्लास तमिलनाडु है यहीं पर भरतनाट्यम होता है, सबसे ओल्डेस्ट यही है। इसके ऊपर जाओगे तो ये तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश निकला था, पहला भाषा या धार्मिक राज्य कौन बना था, यही बना था हमारे देश में। तो यहाँ पर जो है देखो आंध्रा, आवाज में आंध्रा आधा, तो कुचिपुड़ी कच्ची रह गई, पूरी तो आधी रह गई ना, कच्चीपुड़ी रह जाना तो आधी कच्ची आधी पक्की, तो आंध्र प्रदेश आधी, ठीक है, तो ऐसे याद रहेगा। इसके अलावा इस तट में आओगे तो देखो यहाँ पे ओडिशा पड़ता है, तो ओडिसी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जो है तो देखो ऐसे लिखते हो ना तुम लोग उत्तर हिंदी में, तो ऐसे याद कर लो कथक, याद हो गया उत्तर कथक। तो कथकली में अक्सर लोग जो है कथक और कथकली में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप दिमाग में सेट रखना कि। और इसके अलावा मणिपुरी और जो असम है वहां पे सत्रिया, ठीक है, तो ऐसे याद कर लो। अब छोटे भाइयों एक इंपॉर्टेंट इवेंट अभी हुआ, मुद्दा यह है कि इंडिया और जापान के बीच एक एक्सरसाइज हुई, मैरीटाइम एक्सरसाइज। मैरीटाइम जब भी शब्द हो तो वो कौन सी सेना करेगी, नेवी करेगी। कौन सी एक्सरसाइज हुई, जिबेक्स। जिबेक्स एक्सरसाइज रिसेंटली न्यूज में थी, और ये कौन सा एडिशन था, तो आप बोलना सातवां एडिशन। सातवां नहीं है, ठीक है, हाँ सातवां एडिशन था, और 11th एनिवर्सरी मनाई गई है। तो सातवां एडिशन जो है अभी हाल ही में इंडिया जापान के बीच एक्सरसाइज का कंडक्ट हुआ, कहां पर हुई है, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना। ये एक्सरसाइज जो है इंडियन नेवी के बीच जो है विशाखापट्टनम में की गई। विशाखापट्टनम जो है जिसको आप लोग जानते हैं कि सबसे हमारा डीपेस्ट जो है पोर्ट वहां पे पड़ता है, बंदरगाह है, विशाखापट्टनम में हुई। दिमाग में सेट करो, यदि मुद्दा क्या है अभी करंट में, इशू ये है कि रिसेंटली 7th एक्सरसाइज हुई इंडिया और जापान के बीच, JIMEX। तो जापान अपने आप हो गया और इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, इसका फुल फॉर्म हो गया। कहां पर हुई, विशाखापट्टनम में हुई। क्वेश्चन आ जाता है आपकी परीक्षाओं में कहां पर हुई, विशाखापट्टनम। कौन सी एक्सरसाइज का एडिशन था, 2023 में सातवां एडिशन था, लेकिन 11th एनिवर्सरी थी, मतलब 11 साल हो चुके हैं एक्सरसाइज होते होते, लेकिन सातवां एडिशन हुआ है। अब यदि हम बात करें कि इंडिया और जापान की जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है पहली बार कब हुई थी, 2012 में, और अभी जो है सातवां एडिशन हुआ है, ये बात याद रख लेना। इंडियन नेवी की तरफ से कौन कौन से शिप पार्टिसिपेट किए, तो ये देखो जब भी आपका INS लिखे ना, तो इंडियन नेवल शिप INS जो है दिल्ली पार्टिसिपेट किया, और INS जो है कमोटा। ये INS जो दिल्ली है ये क्या है, ये एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जैसे कोई मिसाइल आती है ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है अटैक करके। और ये क्या है, कॉमरोटा जो है ये डिजाइन जो है बिल्ड एंटी सबमरीन है, मतलब एंटी सबमरीन है, जो कि मतलब यदि कोई सबमरीन अटैक होती है हमारे ऊपर तो हम उसको बचा सकते हैं। तो ये दो चीजें जो है स्पेशल जो है इस जिमेक्स एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किए। अब छोटे भाइयों जो इंडिया है और जापान है काफी अच्छे दोस्त हैं, आप सभी लोग जानते हैं, चर्चा हमेशा रहती है पॉजिटिव, क्योंकि दोनों चाइना के विरोधी हैं और दुश्मन का दुश्मन जो है, ठीक है, दोस्त है वाला कॉन्सेप्ट है। आप सभी लोग जानते हैं कि इनके बीच जो है एक तो जिमेक्स एक्सरसाइज अभी हुई है, इसके अलावा छोटे भाइयों पहली बार जो है ध्यान से देखना वीर गार्जियन नाम की एक्सरसाइज की गई, ये पहली बार हुई है। और जब पहली बार कोई चीज होती है तो वो भी इंपॉर्टेंट होती है, ये तो आपका सातवां एडिशन है, लेकिन वीर गार्जियन। अब आप लोगों को याद रखना धर्मा गार्जियन किसके बीच होती है, तो ये भी याद रखना, जब भी गार्जियन शब्द आ जाएगी धर्मा गार्जियन, तो ये भी जो है इंडिया और जापान के बीच ही होती है। देखो तीन नाम इंडिया जापान की एक्सरसाइज याद हो गए, एक है सिन्यू मैत्री, वो किसके साथ होती है, वो भी इंडिया और जापान के बीच होती है, सिन्यू मैत्री। हाँ ये सिन्यू मैत्री, धर्मा गार्जियन, वीर गार्जियन और आपका सिन्यू मैत्री, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी एक्सरसाइज याद कर लो। अब देखो धर्म और वीर, जब भी गार्जियन लिखा मिले जापान के साथ तुरंत टिक करना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीर गार्जियन, आपकी परीक्षा में यहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। सिन्यू मैत्री। अब देखो G20 की शेरपा मीटिंग हुई, एक मुद्दा ये, मुद्दा क्या है, मुद्दा ये शेरपा जो है हर देशों के जब सम्मेलन होते हैं जैसे, तो उनमें क्या होता है कि सम्मेलन के पहले एक हेड ऑफ जो है बना दिए जाते हैं कि भाई शेरपा रहेंगे, वो पहले पूरा फंक्शन देखेंगे, अब ये मिनिस्टर साहब आए या ये मिनिस्टर साहब आए, तो इनको जो है ये पूरी तरीके से मेंटेन कराएंगे और हर मीटिंग को रेगुलेट करेंगे।
तो G20 के जब शेरपा बनाए गए थे भारत की तरफ से, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अमिताभ कांत साहब, ठीक है, वो नीति आयोग के सीईओ थे, तो उनको उस पद से हटाया गया, बोला गया नहीं आप बहुत अच्छा प्रबंधन करेंगे और आप G20 के शेरपा बन जाइए, ठीक है। भारत ने इस मीटिंग को कराया। G20 की शेरपा की पहली मीटिंग कहां पर हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, पहली मीटिंग वही थी उदयपुर में, राजस्थान में हुई थी। G20 की शेरपा की आखिरी मीटिंग हुई, जब समापन हो गया तो बोले यार सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, आप पता है चाइना के शेरपा हैं, आप पता है यूएसए के शेरपा हैं, आप उधर के शेरपा हैं, ठीक है, तो सब लोगों ने अच्छे से काम किया, तो आखिरी मीटिंग भी अभी हुई है। तो G20 के लिए आपसे कहा जाए शेरपाओं की पहली मीटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आखिरी मीटिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है शेरपा क्या होते हैं, समझ गए ना, जो प्रतिनिधि होते हैं जो सबसे पहले पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अगला G20 का आयोजन जो है कहां पर होना है, ब्राजील में होना है, तो शेरपा की मीटिंग दिसंबर में हो जाएगी, मतलब होना 2024 में होगा लेकिन वो सबसे पहले मीटिंग करते हैं। तो नीति आयोग के शेरपा जो थे वो थे, नीति आयोग के सीईओ जो थे अमिताभ कांत, उनको जो है भारत की तरफ से शेरपा बनाया गया था। G20 के शेरपा की पहली मीटिंग कहां पर हुई थी, उदयपुर में हुई थी, कि हम लोग जो है मीटिंग देखो 4 दिसंबर को हुई थी, जबकि 2023 में समय में होता है सबसे पहले मिले। दूसरी मीटिंग कहां पर हुई थी शेरपा की, तो आप बोलना केरल में हुई थी, बीच में हुई कि सब बढ़िया चल रहा है ना, तुम्हारे देशों के सभी लोग आ रहे हैं, बढ़िया से बातें हो रही है ना, सारा सॉल्यूशन हो रहा है, सेकंड मीटिंग हुई। G20 के शेरपा की अब आखिरी समापन के बाद मीटिंग होती है, और G20 के शेरपा की जो तीसरी मीटिंग है वो कहां पर हुई है, बिल्कुल सही है। तो G20 के शेरपा की जो तीसरी मीटिंग हुई है हम्पी कर्नाटक में हुई है। तो ये पॉइंट जो है याद रखना, पहली दूसरी तीसरी, और ये क्या है, आयोजक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब G20 कंट्री कौन कौन से हैं, तो देखो तुम सारे याद मत करो कि एक ही बार में सारे याद कर लो, ऐसा दिमाग में कभी जोर मत दिया करो। तैयारी के दौरान क्या होता है कि आप लोग मैप रख लेते हो, लगता है आज ही याद कर डालूंगा, ऐसा नहीं होता। तुम लोग एक महाद्वीप उठाओ कि G20 में हमारा जो एशिया है जहां हमारा घर पड़ता है, इस महाद्वीप में कौन कौन देश आते हैं। देखो इंडिया G20 का मेंबर है, चाइना G20 का मेंबर है, सऊदी अरब, सिर्फ गल्फ कंट्री में सऊदी अरब है, ना यूएई कोई मेंबर नहीं, और देखो सऊदी अरब ये रशिया मेंबर है, जापान मेंबर है, नॉर्थ कोरिया नहीं साउथ कोरिया मेंबर है, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह वाला एरिया नहीं इसमें आता है, ठीक है, इंडोनेशिया मेंबर में आता है। तो एशिया महाद्वीप से कितने देश आते हैं, इतने आते हैं ना, बांग्लादेश है। आप कहोगे सर बांग्लादेश क्यों नहीं, शेख हसीना तो बहुत सेल्फी ले रही थी, प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमारे उनको बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिला रहे थे, बट ऐसा नहीं, इनको दिमाग में सेट कर लिया करो कि भाई इतने याद हो गए। फिर उसके बाद कभी यूरोप के 5 याद कर लिए कि यूरोप से कौन कौन से आते हैं, तो यूरोप से 5 आते हैं कौन कौन, यूके, फ्रांस, देखो पावरफुल कंट्री है, जर्मनी और इटली, और ये तुर्की, तुर्की एशिया और यूरोप दोनों में है, आधा आधा बटा हुआ, जैसे रशिया है वो आधा तो यूरोप में जाता है आधा उसमें आता है। तो जब हमने यहाँ पर नोट कर लिया, ऑस्ट्रेलिया तो पूरे महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया तो अपने आप में एक महाद्वीप है सबसे छोटा, तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये अफ्रीका कंट्री में कौन आता, तो अफ्रीका में सिर्फ साउथ अफ्रीका था, अफ्रीका पूरे महाद्वीप में 55 देशों में सिर्फ साउथ अफ्रीका आता था, और अब जो है क्या हो गया, अफ्रीका यूनियन आएगा अगली बार से, हाँ अब अफ्रीका यूनियन में वो साउथ अफ्रीका का तो अपना डेलीगेट्स आएगा अफ्रीका यूनियन में। अब यदि आपसे कहा यहाँ पर 2 देश हैं, देखो अर्जेंटीना और ब्राजील, मैक्सिको और यूएसए और जो है कनाडा, तो ये G20 की कंट्री है। तो जोर देकर के नहीं, एक एक महाद्वीप के नाम से पहले सेट करोगे, और तुमने मैप को देखा है तो कनाडा, कनाडा के नीचे यूएसए, यूएसए मैक्सिको, इसमें जो ब्राजील और अर्जेंटीना, साउथ कोरिया, साउथ अमेरिका में, और यहाँ पर आप लोग देख लिया करो। हाँ नहीं, उनको बुलाया जाता है एज ए गेस्ट जो है, बुला लिया गया डायलॉग पार्टनर के रूप में, भारत ने कई लोगों को बुलाया, बांग्लादेश को कभी नसीब ही नहीं हुआ था तो बुलाया गया, क्या हो मालदीव को भी बुला लिया गया, क्या हो आओ तुम हमारे साथ बैठे है। जैसे अब मान लो तुम्हारे घर में कोई आयोजन हो रहा है, ठीक है, हम तो 20 लोग आएंगे ही, ठीक है, अब तुम और जिसको बुलाना चाहो तो बुला लो, तुम्हारी चॉइस है। अब वो संबंधों पे होता है ना, कि इतनी बड़ी मीटिंग, अब जैसे 20 लोग हम खास खास मिलने के लिए बैठे हुए हैं, तुमने जिन लोगों को बुलाया होगा तो कुछ खास लोगों को बुलाया होगा ना, तो फिर उनको भी मिलाते हो कि यार हमारे संबंध से, उससे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं, कल को हम बुलाएंगे वो भी अपने आप मीटिंग करेगा तो बुलाएगा कि आइए आप भी आइए, ठीक है। तो ये आपको G20 कंट्री याद करने के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर कौन बोल रहा है, यहाँ पर बहुत सारे ऑफलाइन स्टूडेंट है, मैं मुखर्जी नगर में जो है क्लास ले रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पर इनकी आवाज सुन रहे हैं। तो छोटे भाई देखो, अब इतना देखो ऐसे लिखा होगा तो नहीं चीजें याद होती, लेकिन मैप के माध्यम से आपको एटलीस्ट, चलो कुछ नहीं तो एशिया का तो याद हो गया होगा कि कौन कौन से हैं, या इसका 2 याद हो गए होंगे, ठीक है। और इस तरीके से थोड़ा सा याद किया करो तो इससे मेमोराइज होती हैं चीजें।
तो ये सारी बातें 1999 बना, कितने देश मेंबर हैं आपको मैंने बता दिया। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि क्या इनमें से कौन सा G20 का कंट्री नहीं है, पाकिस्तान, ठीक है, नहीं नहीं कौन है आप बताना, पाकिस्तान, ठीक है, नेपाल, भूटान, ठीक है, और आपको मैंने कह दिया सऊदी अरब, हाँ सऊदी अरब है, और वो बाकी तीन नहीं है, मतलब अपने आप दिमाग सेट हो गया। यदि यूएई बोलूंगा तो आप कहोगे नहीं वो भी नहीं है, अब तो सिर्फ सऊदी अरब है पूरे गल्फ कंट्री में, ठीक है। क्या ईरान है मेंबर, इराक है, दिमाग में थोड़ा जोर दो, मैप देखना, नहीं है ना, पूरे के पूरे इधर कोई नहीं है, ये वाला एरिया कोई नहीं, सिर्फ सऊदी अरब आता है, ठीक है, चलो ना कतर आता है, कतर भी इसका मेंबर नहीं है। चलो छोटे भाई, तो ये G20 का सम्मेलन जो है आपको पता है, G20 का सम्मेलन भी जैसे भारत में हुआ है, तो भारत में जब हुआ तो भाई क्या ऐसा रिजल्ट आया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 4 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100% एक आएगा किसी न किसी एग्जाम में, देखना। पहली बात कि अफ्रीका यूनियन शामिल हुआ, सबसे पहला क्वेश्चन यदि आपसे कहा G20 में कौन शामिल हुआ है, तो अफ्रीका यूनियन शामिल हुआ है, जो कि 55 देशों का समूह है, एक महाद्वीप है। दूसरा, दिल्ली डिक्लेरेशन जो है यहां पर जो हुई, इसमें जो है इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई कि हम जो है समावेशी विकास की तरफ जो है बढ़ेंगे, साथ ही साथ इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप, इंडिया और मिडिल ईस्ट यूरोप को लेकर और यूएसए को लेकर एक रोड बनेगा, अब ये कहा गया है। अब मतलब कैसे बनेगा ये रोड, ये मैप देखो थोड़ा सा, देखो ये जैसे अब क्या होगा कि यहां से हमारे अरविंद बाबू जो है यहां से चलेंगे अपनी गाड़ी लेकर के, ठीक है, इस रास्ते से ऐसे ऐसे चलेंगे, मिडिल ईस्ट में आएंगे, ये मिडिल ईस्ट में, और यहां से तुर्की होते हुए ये अपना यूरोप, और यूरोप के बाद यहां से अपने जहाज को पता है किसी उसमें रखेंगे, नाव में रखेंगे अपनी कार को, और ये जो है यूएसए तक जाएंगे, ये रोड बनेगा इंडिया से मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट से यूरोप, यूरोप से होकर के जो है, हाँ ये रोड जो है ये बनेगा, भारत में तय हुआ ये। तो तीसरा काम क्या हुआ कि इंडिया मिडिल ईस्ट रोड बनना है। चौथा काम ये हुआ है कि अब जो है अब हम लोग ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया गया, मतलब बायोफ्यूल जो है जो जेट्रफा वगैरह से चीजें बनती है, गन्ना या है, आजकल आप देखते हो ना कि बहुत सारी चीजों से उससे जो है ऐसा ईंधन बनाया जाता है। तो ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस कब बना है, तो G20 के सम्मेलन में बना, भारत ने बनवाया। ये चार चीजें, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई मिलेट्स ईयर को लेकर के, वो तो भारत हमेशा उसको वो कर रहा है, यूनाइटेड नेशन में 2023 को जैसे ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट करा रहा है, वो अलग बात है। तो ये चार चीजों पे विशेष बात हुई है, मेजर पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा। ये ग्लोबल बायोफ्यूल आप सभी लोग जानते थे, एक अलायंस बना है, ये अभी बना है, आगे आ जाओ छोटे भाई। एक बिम्स्टेक, ये ऑर्गेनाइजेशन भी चर्चा में है, इसकी अभी बिम्स्टेक की एक मीटिंग हुई बैंकॉक में, बैंकॉक तो जानते हो आप लोग, थाईलैंड में पड़ता है, ठीक है, ऐसे जानते हो लग रहा है कि बिल्कुल जाने की तैयारी है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, लोग समझते ही रहते हैं, ठीक है, मन में कुछ ख्याल और भी आते हैं बैंकॉक के नाम पर, बट ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छा कंट्री है, भारत का पड़ोसी है, ठीक है, वो ख्याल ही है। तो बिम्स्टेक जो है, बे ऑफ बंगाल जो इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल, हमारी क्लास जो है एंड होने वाली है, तो मैं ऑनलाइन के सभी भाइयों से बोलूंगा कि अगली बार जो है फिर संडे को ठीक 3 बजे जो है हम लोग मिलेंगे, तो आप लोग लाइव क्लास जो है आइएगा, मैं ऑफलाइन वालों के साथ जो है अब बढ़िया से बातें करूंगा थोड़ा सा, ठीक है। तो आप लोगों से मैं विदा चाहता हूं, और आप लोग एक चीज का याद रखिएगा, अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते समय G10 जो ये कोड है, अनअकैडमी डिस्काउंट कोड, उसको अप्लाई करके अनअकैडमी के साथ जुड़िएगा, और अगली क्लास जो है काफी लंबी रखेंगी, 1.5-2 घंटे की, और इसी तरीके से करंट के डिटेल्स कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन के साथ कंटेंट को, और जो है इंडिविजुअल मुद्दों को, जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या है उनको जो है जानेंगे, और मुद्दों के आसपास जो है स्टैटिक जीके के सवाल कैसे बन सकते हैं उन पे भी बात करेंगे, ठीक है। नहीं सर हम भी बात करेंगे, बिल्कुल अगली बार आप सभी लोग जो है इस क्लास में जरूर आइएगा, ऑफलाइन क्लास में बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। चलिए मुझे आप लोगों से विदा लेना होगा, लेकिन मैं रात में 9 बजे फ्री स्पेशल क्लास में आपके साथ फिर से कनेक्ट करूंगा, ठीक है। अब मैं तुम लोगों से